टू माई चैनल। और आज तो मनराज भी जा आए मनराज आए। और इस टाइम रात के बज चुके हैं 2, 2 से ऊपर का ही टाइम हो रहा है। 1 मिनट, टाइम बिल्कुल 2 से ऊपर का ही टाइम हो रहा है इस टाइम। और मेरी हल्की सी आंख लग गई थी तो इन्होंने मुझे दोबारा से उठा दिया मिस्टर ने। इन्हें नींद नहीं आ रही है, इनके पापा सो चुके हैं, सो रहे हैं। ये आज उनको नहीं तंग करेगा, ये मुझे ही तंग करेगा, क्योंकि ये जो है दिन में सोया था, 3 बजे के आसपास सो गया था। ये थोड़ा नहाया धोया खेला दूध पिया, उसके बाद ये 3 बजे अपना आराम से सोया अपने दोपहर में। और ये अब रात में उठा है 9, 9:30 बजे। हम इसे इतना उठाया इतना उठाया, लेकिन ये लड़का नहीं उठा, नहीं माना, अपनी मर्जी से 9 बजे उठा। अभी ये 15-20 मिनट ही लेटा है। अभी 10:30-11 बजे के आसपास हम लोग खाना वाना खा के फ्री हुए, तो मेरे को लगा चलो सो रहा है, चलो थोड़ी देर सो गया तो हम भी थोड़ी देर आराम कर लेंगे, मुझे पता था ही उठेगा। लेकिन ये उसके बाद नहीं उठा। मेरी हल्की सी आँख लगी है तो मेरी तरफ मुंह करके हंस रहा है और हाथ मार रहा है कि उठ जाओ, और ये पता नहीं पीछे क्या देख रहा है। ये बहुत चालू हो गया लड़का, बहुत ज़्यादा। ये खुद तो सोता नहीं है और हमें भी नहीं सोने देता। ये मतलब अपनी नींद पूरी कर लेगा और फिर उसके बाद जब हम लोगों की सोने का पारी आती है तो ये यही करते हैं। हेलो, अब क्या करना है, अब क्या चाहिए? ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये लट्टू है छोटा सा। इन्हें सुलाना बहुत ही मुश्किल की बात है। ये अगर रात में उठ जाते हैं तो देखिए इन्हें मतलब इसे पता चल रहा है कि मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत सीधा बन जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं किया और मैं कुछ नहीं करता हूँ, बहुत सीधा बनता है। और इसने आज की व्लॉगिंग मेरी नाइट में स्टार्ट करवा दी है। मैंने अभी एसी बंद किया क्योंकि मैं जब भी इसे कंबल से बाहर लेती हूँ तो मैं तकरीबन जो है एसी बंद कर देती हूँ, तो ये फटाफट एसी की तरफ देख रहा है। क्यों बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, पंखा भी नहीं चल रहा, रो रहा है इतनी तेज तेज, क्यों बंद किया क्यों? मतलब इसे एसी भी चाहिए। अभी आप सुन रहे होंगे चीख भी रहा था, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है बच्चे को बाहर निकालते टाइम। और अभी इनको खेल सूझ रही है, देखो ये देखो अभी इन्हें खेल सूझ रही है। गंजी गंजी ची घुट उठ गई। तो ये अब उठ चुका है और मुझे नहीं लगता ये 4 बजे से पहले सोएगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे तो यही लग रहा है ये 4 बजे से पहले नहीं सोएगा, पर शायद हो सकता है सो भी जाए। तो ट्राई करती हूँ सुलाने की तैयारी करती हूँ। तो व्लॉगिंग तो अब रात से स्टार्ट हो गई है, अब देखते हैं सुबह तक चलती है ये कल शाम तक चलती है, जैसा भी होगा। तो अभी देखती हूँ, अगर सोता है तो ठीक है, वरना फिर आप लोगों से फिर बात करती हूँ। ये गंदी लड़की है। वेरी गुड।
हेलो, बोलो हेलो। ना गंदी बात। गया। नहीं करनी, नहीं करनी आज। हाँ ओ। गंदा लड़का। तो इसके अब आपने गाने सुने, ये गाने भी गाता है रात भर, ऐसे ही गाने गाता रहेगा, ऐसे ही नाच बोलता रहेगा, और ये खुद भी नहीं सोएगा, और अगर हम सोने की तैयारी करेंगे तो ये इसी तरीके से बोल 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 के उठाता है। बहुत ज़्यादा अब इसको समझ में आने लगती है ये बातें। तो देखिए मेरा मुंह देख रहा है, क्या बात कर रही है, मेरे बारे में बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर तो ये सोएगा तो ठीक है, वरना मैं फिर से आप लोगों से बात करूंगी। और ये भी मेरा कंटिन्यू मुंह देख रहा है, देखो अब मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये मेरा मुंह देख मेरा मुंह देखता जा रहा है। खैर मैंने आपको जैसे कि बताया था, मन रात के साथ ना दिन पता चलता है ना रात पता चलती है। दिन इसे उठाने में निकल गया मेरा कि उठ जा भैया, उठ जा खेल ले थोड़ा सा। अपने पापा के साथ तो प्रॉपर खेलता है, और मेरे साथ खेलने में इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं पापा के साथ ही खेलूंगा। और अब इसको रात में मेरे साथ टाइम मिला खेलने के लिए तो ये अब खेल रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, देखते कितनी देर तक खेलता है। लेट गई हूँ अब मेरे में हिम्मत नहीं है और बैठने की, मुझे बहुत देर होगी इसके बाद बैठे हुए। ब्लॉगिंग तो मैंने 2 बजे के आसपास स्टार्ट की, उससे पहले मैं बैठ रही थी, इसको खिला रही थी। तो अब ये भी फिलहाल अभी ये जो काम मुँह में आ डाल रहा है, तो मैं ये हल्की सी दुपट्टा इसको दे के रखती हूँ ताकि मच्छर वच्छर से थोड़ा सा बच जाए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मच्छर काट ही लेता है इसको। तो अब देखते हैं कितनी देर में ये सोता है, मुझे नहीं पता है कब तक सोएगा।
ये अपनी धुन में रहता है कुछ, तो अब मेरे तो बस में नहीं है कि मैं और जाऊँ, मैं सोचूँ मनराज के पापा को उठा दूँ मैं, पर मुझे पता है वो अभी नहीं उठेंगे, अभी उनको थोड़ा और सोने दे, जब तक मेरी आँख बिल्कुल प्रॉपर बंद नहीं होती तब तक मैं जागती हूँ। और टाइम टाइम ढाई बजे यार, इससे ज्यादा मैं नहीं जाग सकती फिलहाल, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, तो आज दिन में भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज मैंने दिन में ब्लॉगिंग नहीं स्टार्ट करी, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो इस वजह से। लेकिन मनराज की वजह से नाइट में ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, और अभी मैं आपसे बात करी तो ये बहुत ध्यान से सुन रहा है, मुझे बार बार मेरे हाथ पे मार रहा है कि तुम क्या कर रही हो। देख मनराज, मुंह में हाथ मत डाला करो, गंदी बात होती है। अब कुछ कुछ तो चाहिए उसको करने के लिए। देखो आप किसी भी चीज़ के लिए मना करो, वो कुछ करता रहेगा, कुछ कुछ करता रहेगा। गुस्सा होके दिखा रहे हैं कि मेरे को बात नहीं करनी है, सुन लो ये देखिए, इन्हें गुस्सा होना भी आता है। इस तरीके से अपना मुंह ऐसे किसी भी चीज़ में लपेट लेते हैं और नहीं बात करेंगे। देखिए देखिए क्या कर रहा है, ये देखो खुद ही लिपटता जाएगा, खुद ही गुस्सा, ये देखो गुस्सा हो गया। अच्छा चलो सॉरी सॉरी, अरे सॉरी सॉरी ना, ये कंबल ले लो ऊपर, आप अपने कंबल ले लो। क्या हुआ, गुच्चा हो गया, गुस्सा हो गया भाई, क्यों हो गया गुच्चा? अरे ये दुल्हनिया बन गई, दुल्हनिया छोटी सी दुल्हनिया बन गई भैया। मुझे ऐसा लगता है कि आज की ब्लॉगिंग सिर्फ नाइट की रहेगी, और डे तो मॉर्निंग में शायद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसके साथ अभी जागना पड़ रहा है यार बहुत ज्यादा। और मनराज के पापा तो बड़ा इजीली सो रहे हैं, उनको कोई मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई जाग रहा है सो रहा है, और इन्हें भी कोई मतलब नहीं है कि मम्मा की नींद पूरी हो रही है नहीं हो रही है, दोनों बाप बेटे की नींद पूरी हो जाए बस बहुत है। और देखिए कैसे गुस्से में देख रहा है कि मुझे बोल रही हो लो और वो आते गुस्से में मुंह उधर कर रहा है, ये ऐसे ही करता है हर बार। तो फिर से ट्राई करती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा सो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँगी, वरना ये और आराम कभी भी नहीं। जहाँ आराम है वहाँ मनराज नहीं है, और जहाँ मनराज है वहाँ आराम नहीं है। खैर कोई बात नहीं, बाय बोलो, बोलो गुड नाइट, बोलो गुड नाइट मनराज। अपनी देखिए सब, पापा का फ़ोन, अपने टॉयस, एसी का रिमोट, और अपना एक ये टॉवल, ये टॉवल अपना ये साथ में लेके सोते हैं, तो किस टाइम कब जरूरत पड़ जाए इन्हें इन्हें नहीं पता। नहीं मनराज, मनराज फिर से गुस्सा हो गया, गुच्चा हो गए, क्यों गुच्चा हो गए? अच्छा चलो गुड नाइट बोलो, बोलो गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुच्चा गुच्चा गंदा डंडा। मान गया भाई मान गया, गुस्सा था लड़का मान गया खैर चलिए कोई बात नहीं, तो आज की व्लॉगिंग मैं यहीं तक करती हूँ। मैं पक्का नहीं कहती, मैं अभी तक करती हूँ, इसके बाद भी चलती है, ये जब तक सोएगा नहीं तब तक व्लॉगिंग चलेगी। आज मैं आपको इतना बता देती हूँ, और कल के लिए न्यू व्लॉगिंग के लिए फिर से प्रिपेयर होंगी। अगर तो आज टाइम पे सो गई तभी मैं कल टाइम पे उठ के और टाइम पे व्लॉगिंग कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझे लगता है शायद कल भी नाइट में ही हो पाएगी व्लॉगिंग, और अब इनको भी दोबारा से वीडियो में आना है। हाँ जी आई आई लगता वो अपना हाथ खाने से बाज नहीं आएगा कभी, मना करती हूँ तो गुस्सा हो जाता है कि क्यों मना कर रही हूँ। देखो 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 देख
तो ये इनको मना ना किया जाए, बस अगर मना करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। खैर देखती हूँ कितनी देर में सोते हैं ये। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं और अब इसको थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये टॉवल इसने खुद अपने सर पे ले लिया है, क्यों लिया है मुझे नहीं पता, आप देख सकते हैं। देखिए गले में चुन्नी ले ली है और टॉवल ले लिया है, ये इनकी सोने की तैयारी है। और ये खुद लेकर लेटा है ऐसे, पता नहीं क्यों, खेलते खेलते। तो मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दोबारा से ले रहा है, तो अभी शायद सो जाए, मुझे इसका पक्का नहीं लग रहा, सोने का इरादा नहीं लग रहा मुझे इसको सोने का इरादा नहीं लग रहा है। ये अभी भी इधर उधर देख रहा है और मुंह बना रहा है खेलने के लिए। मुझे मुझसे नहीं रहा जा रहा, मतलब नहीं मैं जाग पा रही हूँ, मुश्किल हो रहा है जागना, इसीलिए बार बार 10 10 मिनट बाद, 15 15 मिनट बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे नींद आ गई तो फिर बेबी अकेला, और अकेले बच्चे थे, छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सोचूं जल्दी सो जाए ये, सो जाए, लेकिन अभी नहीं सो रहा ये, पता नहीं क्यों। मैं सोची थी शायद मैं आपसे बात करती हूँ और ये सो जाए, लेकिन ये बहुत शरारती हो गया है, और इस वजह से अब दिन में मैं वो हैरान हूँ, ये दिन में सो रहा है और ये रात में अब जाग। पहले जब छोटा था तब ये करता था कि दिन में सोता था और रात में जागता था, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, सब सो जाते थे और मैं जागती रहती थी। और अभी भी ऐसा ही है कि इस मनराज के पापा को तो और भी बहुत से काम होते हैं, सब जगह आना जाना देखना सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो इसलिए अब ये इस चीज़ को समझे तो बात ही क्या है। इसे छींक आ रही है बार बार, एसी ऑन नहीं हुआ है तो गुस्सा हो गई कि एसी क्यों नहीं ऑन है, पंखा क्यों ऑन है, चीख रहे थे तेज से। ये देखिए इसे छेड़ना है अपनी मुसीबत, ये छिड़ गया है अब। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं और अब इसको थोड़ी थोड़ी नींद आनी स्टार्ट हो रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये टॉवल इसने खुद अपने सर पे ले लिया है, क्यों लिया है मुझे नहीं पता, आप देख सकते हैं। देखिए गले में चुन्नी ले ली है और टॉवल ले लिया है, ये इनकी सोने की तैयारी है। और ये खुद लेकर लेटा है ऐसे, पता नहीं क्यों, खेलते खेलते। तो मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दोबारा से ले रहा है, तो अभी शायद सो जाए, मुझे इसका पक्का नहीं लग रहा, सोने का इरादा नहीं लग रहा मुझे इसको सोने का इरादा नहीं लग रहा है। ये अभी भी इधर उधर देख रहा है और मुंह बना रहा है खेलने के लिए। मुझे मुझसे नहीं रहा जा रहा, मतलब नहीं मैं जाग पा रही हूँ, मुश्किल हो रहा है जागना,
इसीलिए बार बार 10-10 मिनट बाद, 15-15 मिनट बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे नींद आ गई तो फिर बेबी अकेला, और अकेला बच्ची तो छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए बार बार मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सोचूं जल्दी सो जाए, ये सो जाए, लेकिन अभी नहीं सो रहा, ये पता नहीं क्यों। खैर मैं सोची थी शायद मैं आपसे बात करती हूँ और ये सो जाए, लेकिन ये बहुत शरारती हो गया है, और इस वजह से अब दिन में मैं वो हैरान हूँ, ये दिन में सो रहा है और ये रात में अब जाग। पहले जब छोटा था तब ये करता था कि दिन में सोता था और रात में जागता था, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, सब सो जाते थे और मैं जागती रहती थी, और अभी भी ऐसा ही है कि इस मनराज के पापा को तो और भी बहुत से काम होते हैं, सब जगह आना जाना देखना सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो इसलिए अब ये इस चीज़ को समझे तो बात ही क्या है। छींक आ रही है बार बार, एसी ऑन नहीं हुआ है तो गुस्सा हो गई कि एसी क्यों नहीं ऑन है, पंखा क्यों ऑन है, चीख रहे थे तेज से। ये देखिए ये शायद सो जाए। फाइनली मनराज सो गया है, और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, टाइम हो चुका है 2, अब मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है ही नहीं है बैटरी, इसमें आई थिंक 10% रह गई है। तो मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट करती हूँ न्यू ब्लॉग, और तब तक के लिए बाय।